नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। श्रद्धा वॉगर केस इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा केस का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला आज के युग में लोगों की आसानी से इंटरनेट तक पहुंच और उस पर पड़ी सामग्री के दूसरे पहलू का एक उदाहरण है। गौरतलब है कि श्रद्धा के निधन, श्रद्धा की जान लेने के बाद लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में बांटा, फिर उन टुकड़ों को उसे दिल्ली के छत्रपुर के जंगलों में फेंक दिया। पुणे के TDSAT के टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग IT और साइबर सेक्टर्स में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म सेमिनार को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अभी अभी अखबारों में मुंबई में प्यार और दिल्ली में जान लेने के बारे में कई कहानियां पढ़ी। इस तरह के अपराध इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी सामग्री भारी मात्रा में मौजूद है। अब मुझे यकीन है कि भारत सरकार सही दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा, भारतीय दूरसंचार विधेयक है, लेकिन अगर वास्तव में हमें अपनी सभी बिरादरी के नागरिकों के लिए न्याय पाने में अपने वादे को पूरे करने के लक्ष्य को हासिल करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाई जा सके, तो हमें ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कुछ और मजबूत कानून बनाने आवश्यक है।